ना हम खाना बना पाएंगे, ना हम सो पाएंगे, कैसे होएगा हमारा? अभी तो रात की चिंता है कि हमें बच्चों को लेके कहीं और जाके सोना पड़ेगा। घर में तो कोई है ही नहीं संतुष्ट कि हम बैठ सके सही से खाने के लिए। खाना तो भूल ही जाओ, खाना तो कहीं उम्मीद आई नहीं कि हाँ बना पाएंगे। जब बैठने की जगह तो खाना तो दूर की बात है। 20-25 मिनट बरसात हुई होगी, उससे ज्यादा बरसात नहीं हुई है। हालात ऐसे हैं, आप मेरा वो सोफा देख लो, 6 इंटों के ऊपर वो सोफा है। आप कहोगे तो आपको मैं चल के गिनवा दूंगा 6 इंटे। यमुनानगर में बीती देर शाम महज आधे घंटे की बारिश ने पूरे शहर को डुबो दिया। सड़कों पर इस कदर जलभराव हुआ कि वाहन तैरते नजर आए। वहीं घरों में भी 3 से 4 फीट पानी जमा हो गया। लोगों के महंगे महंगे सामान पानी में डूब गए। रसोई घर में गैस सिलेंडर नाव की तरह तैरते दिखे। और तो और लोगों के बेड, सोफे और महंगे महंगे इलेक्ट्रिकल सामान सब कुछ जलभराव की भेंट चढ़ गए। जी हाँ, तस्वीरों को देखकर हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। निचले इलाकों का हाल ऐसा था कि गलियों में लोग बच्चों को कंधों पर उठाकर ले जाते दिखे, तो वहीं महिलाएं भी कई कई फीट पानी से गुजरते हुए घरों में जाती हुई दिखाई दी। आलम यह था कि इस मौके पर जहां लोगों में अपने नुकसान का दुख था, वहीं महिलाओं को रात के खाने और बच्चे की भूख की चिंता सता रही थी। इस टाइम पे ना तो हम यहाँ बैठ सकते ना उठ सकते हैं। जब से बारिश हुई है बच्चे बाहर ही है हमारे, 4 फुट पानी है, ना रसोई में बैठ कोई सामान बचा, ना बेडरूम में कोई सामान बचा, सब सामान खराब हो चुका। इतना पानी भर रहा है हमारे घर में। अब जो रात की चिंता है, अभी तो रात की चिंता है कि हमें बच्चों को लेके कहीं और जाके सोना पड़ेगा। घर में तो कोई है ही नहीं संतुष्ट कि हम बैठ सके सही से खाने के लिए। खाना तो भूल ही जाओ, खाना तो कहीं उम्मीद आई नहीं कि हाँ बना पाएंगे। जब बैठने की जगह तो खाना तो दूर की बात है। 20-25 मिनट बरसात हुई होगी, उससे ज्यादा बरसात नहीं हुई है। हालात ऐसे हैं, आप मेरा वो सोफा देख लो, 6 इंटों के ऊपर वो सोफा है। आप कहोगे तो आपको मैं चल के गिनवा दूंगा 6 इंटे। बेड मेरे बिक चुके हैं, ठीक है जी, चेयर सोफिया सब कुछ बिकी पड़ी है। ये चेयर पड़ी है, वो देखो डूबी पड़ी है अंदर चेयर। किचन तक में पानी, किचन तो सर आप देखो तो सही, शेल्फ के ऊपर पानी आ रहा है किचन की। 15 मिनट में देख लो, ना हम खाना बना पाएंगे, ना हम सो पाएंगे, कैसे होएगा हमारा? कितना पानी है आपके घर में? हमारे घर में है 2.5 से 3 फुट ऊपर पानी। आधे घंटे की बारिश के बाद तकरीबन पूरा शहर जलभराव से जद्दोजहद में जुटा था, लेकिन इस दौरान प्रशासन के अधिकारी दूर दूर तक कहीं भी नजर नहीं आए। सड़कों पर पानी और घरों में पानी जमा होने के कारण लोग अपने ही घरों में मानो बेघर हो गए थे। पूरी रात ना तो लोग सो सके और ना ही खाना पका सके। ऐसे में छोटे छोटे बच्चे भी भूखे प्यासे रहकर पूरी रात गुजारने को मजबूर हो गए। बता दें कि हर बार मानसून आने से पहले सरकार और प्रशासन पानी निकासी को लेकर व्यापक प्रबंध करने का दम भरते हैं, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी सरकार और प्रशासन के दावों की पोल खुल गई, जिसको लेकर लोगों में भारी नाराजगी है। यमुनानगर से सुमित ओबेरॉय, पंजाब केसरी टीवी। सोनीपत जिला परिषद के वार्ड नंबर 7 से भावी उम्मीदवार देवेंद्र सैनी पत्रकार की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को आजादी की 75वीं वर्षगांठ और भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की ढेरों ढेरों बधाइयां। छोटू राम विचार मंच की ओर से सभी क्षेत्रवासियों और प्रदेशवासियों को आजादी की 75वीं वर्षगांठ की ढेरों शुभकामनाएं। निवेदक सुरेंद्र ढूल, जिला अध्यक्ष छोटू राम विचार मंच। हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के सदस्य भारत भूषण की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को आजादी की 75वीं वर्षगांठ की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।